खंडवा शहर में चल रहे प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में 100 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर का गुरुवार को समापन होगा। सिंधी कॉलोनी के समाज सेवियों ने चिकित्सा टीम और आयोजक टीम का सम्मान किया। पदमनगर के समाज सेवी प्रकाश चंचलानी ने बताया कि यह शिविर 31 दिसंबर तक झूलेलाल मंदिर परिसर में चल रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार का निःशुल्क लाभ ले रहे हैं। मोहन दीवा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को लाभ पहुंचाने के लिए किए जाने चाहिए। समाज सेवी कमल नागपाल ने कहा कि विश्व सिंधी सेवा संगम और सिंधी समाज पदमनगर बधाई की हकदार है। विशेष अतिथि समाज सेवी घनश्याम वाधवा ने चिकित्सक टीम की प्रशंसा की। सिंधी कॉलोनी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा चिकित्सक डॉक्टर अनूप चौधरी और उनकी टीम और विश्व हिंदी सेवा संगम महिला शाखा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम रखवाल की रिपोर्ट। ये एक्यूप्रेशर का कैंप लगा है यहाँ पर पदम नगर में, हाँ? जो कि अपने झूलेलाल नवीन मंडल और विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से लगा है जी। इस शिविर को आज 6वां दिन है, हाँ? और अभी तक जो रिस्पांस मिल रहा है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हुँ? आगे भी ऐसी उम्मीद है, हुँ? और इवन यहाँ के जो पेशेंट आ रहे हैं, हाँ? वो लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन साथ में रोज नए पेशेंटों को भी साथ में लेके आ रहे हैं, हाँ? और उनका यही कहना है कि या तो आप हमारी क्लास लीजिए, भले आप चार्ज ले लीजिए हमसे, हाँ? भले 1 महीना 15 दिन हमें इतना ट्रेन कर दीजिए ताकि हम हमारा ट्रीटमेंट खुद घर पे कर सकें, नहीं तो कुछ दिन शिविर को आगे बढ़ाइए। तो अभी संस्था का विचार चल रहा है और डॉक्टर साहब से भी अनुमति ली है, उनका विचार बना है कि 2 तारीख तक तो अपन आगे बढ़ा रहे हैं, फिर और आगे जैसी रिक्वायर आई तो और बढ़ा सकते हैं अपन। इसमें कहाँ के पेशेंट आ रहे हैं? पेशेंट मेन तो अपने पदम नगर के तो है ही है, लेकिन बाहर के भी आ रहे हैं, कावेरी से आ रहे हैं, अपने नवकार से भी आ रहे हैं, और कुछ लोग तो बाहर से भी आए हैं, मतलब कुछ लोग यहाँ घूमने आए हैं, जैसे इंदौर से आए हैं कुछ लोग घूमने, सैनिक परिवार है वो लोग घूमने आए, तो उन्होंने सोचा हम भी शिविर का फायदा उठा लेंगे, तो वो लोग भी आए हैं यहाँ पर। जो लोग नहीं आ पाए उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि जितने दिन बचे हैं आप अभी भी आ जाइए और अपना शरीर को भी स्वस्थ रखिए और लाभान्वित होइए। भले आप उनमें दिनों को कवर कीजिए, दिन में 2 बार आइए, पर आप आइए, कम समय में भी आपको लाभ मिलेगा, और जो यहाँ के एसेसरी डॉक्टर आपको बताएंगे उससे भी आप यूज करेंगे तो आगे के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्या अगली बार फिर इस टाइप का कोई शिविर लगने की संभावना है? लगना चाहिए, होप तो है, कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी। चलो धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।